हेलो मैकेनिक दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग मैग्नेट सील सेट करने वाले हैं हीरो होंडा की मैग्नेट प्लेट में। देख सकते हैं हीरो होंडा की मैग्नेट प्लेट है, इसमें हम लोग सेट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों सेट हम लोग किस तरह करेंगे और कौन से सील लेंगे तो सही रहेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर हीरो होंडा का सील लेते हैं तो सील में आपको एक समस्या मिलेगा कि ये वो रबड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें किट में। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर है दोस्तों K551928F100DS। ये हमारा पार्ट नंबर है और ये हमारा ऑल सील किट इसे नाम रखा गया दोस्तों। पैकेजिंग दोस्तों 4th महीने 2023 में बना हुआ है। पैकेजिंग के अगर नेट क्वालिटी दोस्तों 1 नंबर और इसका MRP सिर्फ 108 रुपया। और ये हमारा इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स QR स्कैनर है। स्कैन करने पर एक कोड आएगा, इस कोड को इस नंबर से पर SMS कीजिएगा तो लोकल है जिनमें पता चल जाता है दोस्तों। और इस पैकेट में क्या क्या चीज़ मिलता है दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि ये है हमारा, देख सकते दोस्तों, पैकेजिंग ऑल सील 11.6x24x10 वन नंबर का मिलता है। ऑल सील 18x9x30x5 वन नंबर का मिलता है। ऑल सील एक और मिलता है दोस्तों 6x25x6 नंबर एक नंबर का मिलता है। ऑल सील एक और आता है 13x24x5 मिलता है वन नंबर का। सील 17x24x5 वन नंबर का मिलता है। यानी दोस्तों इसमें कोई कितने सील मिलता है, 1, 2, 3, 4 और 5 सील मिलता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा सील कहाँ क्या आता है दोस्तों पता है, क्लच की जो बैलेंसर रहता है उसमें जो प्लेट रहता है दोस्तों वहाँ पर ये लगता है। ये हमारा मैग्नेट सील है, यहाँ पर लगेगा। और एक किक सील है, किक में लगेगा। और ये हमारा गियर की सील है, गियर चेंज करते हैं उसकी सील है। और एक सील स्प्रोकिट वाला हमने लगा दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं, उसमें ये सील मिलता है। लेकिन ये सील आपका नहीं मिलता है जो मैग्नेट कवर में रहता है दोस्तों, ये अलग से आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है इसका डिटेल। अब हम लोग सील की पैकेजिंग सेटिंग करने वाला है, किस तरह से सेट किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर कचरे वगैरह भरा पड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले हम सेट फ्रेश करेंगे अच्छी तरीका से, तभी हमारा सील अच्छी तरीका से काम करेगा दोस्तों, तो नहीं काम करेगा। इस तरह से फ्रेश करेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से फ्रेश कर दिए हैं। चलिए दोस्तों ये रहा दोस्तों, फ्रेश हमने कर दिया। इसके बाद दोस्तों सील की जो ये हमारे सील है हमारा इस तरह से रहेगा दोस्तों। तो इसको हम लोग थोड़ी सी बॉन्ड रेजी बॉन्ड की मदद से इसको हम लोग थोड़ी सी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और इस तरह से मिला देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख सकते हैं मिला दिए हैं, इस तरह से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से अब इस तरह से लगा देंगे थोड़ी थोड़ी और सेट कर देंगे दोस्तों इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये कट वाले जो पर्सन है, जो ये इधर देखिए प्लेन है, इधर कट वाले हैं, तो कट प्लेन वाले को नीचे की तरफ रखेंगे और गड्ढे बने हुए हैं दोस्तों, इसको ऊपर की साइड रखकर इसको इस तरह से लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। और ठीक उसी प्रकार के जो इसका इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम मिला देंगे, ये सेट हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ओरिंग में कुछ खास नहीं रहता, इस तरह से करके और इस तरह से सेटिंग मिलाकर और इस तरह से सही से पूरा दोस्तों फंसा देना है। और दोस्तों इस तरह से आप लगा सकते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा ओरिंग है दोस्तों, ये परफेक्ट हमारा देख सकते हैं बिल्कुल लग गया दोस्तों। इस तरह से हमारा सील बिल्कुल
सेट किया जाता है। इसमें हम दोस्तों नहीं लगाएंगे, हमारा इसमें रेजी बॉन्ड का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम कस लेंगे तो थोड़ी थोड़ी नीचे की साइड में दोस्तों, इस तरह से रहते हैं दोस्तों, थोड़ी नीचे की साइड में हम इस तरह से लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों हमारा हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक का सील किट की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से किया जाता है, ये रहा दोस्तों इस वीडियो में जानकारी। और इसका सील किट के पार्ट नंबर ओरिजिनल लेते हैं, इस पार्ट नंबर से खरीदते हैं, लेकिन आपको ओरिंग इसमें नहीं मिलता है, अलग से लेना पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।